अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने किचन में आप सब व्यूवर्स को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मलाई से देसी घी। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चूल्हे पे हमने देसी घी रख लिया। अब मैं इसमें डालूँगी ये मलाई। आधा किलो मैंने मलाई ली है और इसको बग़ैर जाग लगाए, बग़ैर कुछ किए इसको मैं डाल रही हूँ पतीली में। चूल्हा कर लेते हैं हम ऑन। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि चूल्हा जो है हमने कितनी आंच रखनी है चूल्हे की। ये देखें, आपने चूल्हे की आंच जो है इतनी रखनी है। जब तक हमारी मलाई जो है वो थोड़ी पिघल जाती है, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मलाई जो है हमारी वो पिघलनी शुरू हो गई है। और ये देखें, आपको ये पीला पीला नज़र आ रहा होगा, ये हमारे मलाई में से देसी घी निकलना शुरू हो गया है। अब फ्लेम जो है हम थोड़ी सी और धीमी कर लेते हैं ताकि हमारी मलाई जो है वो नीचे नहीं लगे। ये देखें, हम थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसको इसी आंच पे हम बनने देंगे। अब देखते हैं कि कितने मिनट में हमारा जो घी निकलना शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमारा मलाई में से निकल चुका है। चूल्हा करते हैं हम बंद और इसमें से निकाल देते हैं हम घी। चूल्हा हमने बंद कर दिया। इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। आइए अपना देसी घी जो है वो छन्नी में छान कर निकाल लेते हैं। देसी घी हमारा बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इससे पहले मैंने मक्खन में से घी निकाला था, उसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको जल्द से जल्द मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।